रोड तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा रोड डैमेज है। मेरे ये ट्रैवलर टेम्पो वाले कहाँ सुनते हैं, ये दौड़ते जा रहे हैं और हमारी तो हालत खराब है। इतने गंदे रोड अभी तक के सफर में पहली बार इतने गंदे रोड मिल रहे हैं। ये है ट्रैवलर टेम्पो एल ए का, मतलब लेगा। इसमें भी सिद्धू मूसेवाला और टुपैक, फैन फॉलोइंग बहुत है भाई की सिद्धू मूसेवाले की। और कहीं पर भी आप रुक जाओ, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी विलेज हो, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग जरूर प्ले हो रहे होंगे। ये है भाई ने जो कमाया, वो बोला था ना कि मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करेंगे। जब तक था भले उतना उसको याद नहीं करते थे, जाने के बाद डबल याद करने लगे हैं, मगर अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला यार। एक साल हो गया भाई को, 29 तारीख को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, जो ये क्लियर कर रहे हैं। निकाल बोला भाई। और एक डेढ़ साल दो साल के अंदर अंदर ये पूरे ही रोड बढ़िया हो जाएंगे। वर्क बहुत स्पीड में चल रहा है, फिर तो ऐसा लगेगा आए हैं घूमे और चल गए, पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी एडवेंचर करने को नहीं मिलेगा। बहुत जोर से काम चल रहा है। नीचे में देखिए पूरी फैक्ट्री बनी हुई है, रोड बनाने वाले का बीआरओ का बहुत जोर से काम चल रहा है और रोड सब चौड़े होते जा रहे हैं। अभी हमें ऊपर में जहाँ पर हमने मैगी खाया था वहाँ पर आर्मी वाले ने बताया कि लास्ट ईयर थार वाले आए थे, उनको उन्होंने मना भी किया कि ऊपर मत जाओ, स्नो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, अगर जाना भी है स्नो चैन लगा के जाओ। फिर भी वो उनकी बात नहीं मान के वो डायरेक्ट गाड़ी लेके चढ़ गए ऊपर, और क्या मिला? डेथ। क्यों? क्योंकि गाड़ी के टायर हो गए स्लिप, कंट्रोल हुई नहीं और गाड़ी सीधी खाई में, और खाई में गिरने के बाद ना ही गाड़ी का कुछ बचा ना ही वो चारों का कुछ बचा। तो वो यही चीज़ बोल रहे थे, अगर कोई आर्मी वाला कोई भी हो, अगर आपको कोई कारण से रोक रहा है तो प्लीज़ उसको समझो। ट्रिप तो नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हो। रोड के काम इसीलिए इतने अच्छे कर रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, मगर बहुत जान है जो समझते हैं कि नहीं, वो जान पूछ के जाने नहीं दे रहे, ये चीज़ गलत है। प्लीज़ सपोर्ट करो उनको। इसीलिए बोला जाता है ड्राइव स्लो। ये यहाँ पर एक तो एक्सीडेंट हो गया उसका ट्रैवलर और टेम्पो का, जिसके चलते पूरा लंबा जाम है हुंदर से पहले। और पहुँचने लगे हम हुंदर, 20 किलोमीटर पीछे हैं और पूरी तरह से रिवर बेल्ट के साथ साथ गाड़ी चल रही है। रिवर का भी कलर एकदम ब्लू कलर है रिवर। ये काले पहाड़ आ गए हुंदर्स में और हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड सैंड ड्यून्स, डबल हम्प वाले कैमल देखने के लिए। देखते हैं कि क्या दिखता है। रोड भी बहुत अप एंड डाउन है, लग रहा है कैमल की राइड तो हम लोग थार में ही कर ले रहे। हम लोग दिस्कित मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं, ये उसका एंट्री गेट है और एंट्री फीस है 40 रुपीज पर पर्सन। हाँ, दिस्कित की मोनेस्ट्री ऊपर में है, स्टैच्यू, हम स्टैच्यू की तरफ जा रहे हैं। मोनेस्ट्री हम उस साइड में रह गए, लेफ्ट साइड में। पहले स्टैच्यू देखते हैं, उसके बाद आपको मोनेस्ट्री घुमा के लाते हैं। ये है पूरा व्यू स्टैच्यू के बाहर। देखिए मौसम कितना सुहाना हो गया, बादल इधर पूरी तरह से स्नो शाइन कर रहे हैं। मोनेस्ट्री स्किप कर देंगे क्योंकि आगे नुब्रा भी रुक जानी और बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी भी 3 घंटे का समय बाकी है और बारिश चालू हो गई है। काफ़ी बड़ी है, ये
पूरे नीचे उतर आए। देखिए बहुत बुरी तरह से सैंड ड्यून्स में सैंड उड़ रहा है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत हाई स्पीड हवा चल रही है। देखिए बाहर बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक मिनट में शीशा डाउन करता हूँ, शीशा थले कर दे। देखिए बहुत स्पीड है हवा, बहुत ज़्यादा स्पीड है, इसीलिए मॉनेस्ट्री स्किप कर दी क्योंकि अभी रूम भी लेने हैं और थोड़ा ड्राइव भी करना था और हवा बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही है। चलिए अब पहले गेस्ट हाउस या कोई होटल वगैरह कुछ मिलता है तो पहले उसको लेते हैं, लंच भी नहीं किया, फिर वीडियो कंटिन्यू। ये वाला गेस्ट हाउस हमने ले लिया आज रात को स्टे करने के लिए, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है 4000 रुपये में। और नए रूम्स बने हैं, वॉशरूम वगैरह एकदम फ्रेश है और सामने में ये माउंटेन दिख रही है और बॉनफायर वगैरह सब कुछ ये करने के लिए दिए हुए जगह। रात में हम बॉनफायर वगैरह भी करेंगे और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, माउंटेन पूरी ही क्लाउड्स से ढकी हुई है। होटल में रूम लेने के बाद हम पहुंच गए हैं सैंड ड्यून्स और ये है सैंड ड्यून्स की व्यू। मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल पूरे पहाड़ के ऊपर उतरे हुए हैं और यहाँ बारिश होके हटी है जिसके चलते हम मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर नहीं कर सके और अभी हम जा रहे हैं वही अलग कैमल देखने, डबल हम पाले। टूरिस्ट का बहुत ज्यादा रश हो चुका है। ये वाले कैमल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इनके पूरे ग्रुप में। बहुत तगड़े है। ये रही एटीवी बाइक, ये खुद से ड्राइव करे 1000 रुपीज 4 किलोमीटर राइड की हम खुद चला सकते हैं। सैंड में
आने वाली है तो मैं बोला अभी से देख लूं क्या 4x2 है या 4x2 है उसमें नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा क्या इसका 95 kg का वजन 95 kg इससे क्या हम लोग की प्लेन एरिया है एकदम बिल्कुल हां फिर चल जाए जैसे हम सिलीगुड़ी से हैं अच्छा आसाम से वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से 44 व्हील वाला है उनको बोलिए ना मेड इन यूएसए फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अराउंड 490 पर है जहाँ पे कैमल थी एटीवी राइड थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बहुत अच्छा ये छोटी सी लेक टाइप का व्यू है वो होता है ये देखिए और एक ऑफ रोडिंग पैच भी कवर हो जाता है ये देखिए ये है सैंड ड्यून्स बगल में ये छोटी सी लेक जाती है साथ में लेक क्या है ये पहाड़ से जो बर्फ पिघल रही है वही जा रही है साथ ही साथ अच्छी लगती है और ये सैंड ड्यून्स के बगल बगल में और ये जहाँ पर कैमल राइड वगैरह थी आर्चरी थी और वहाँ पे था एटीवी बाइक की राइड रात के बज रहे 7:17 और यहाँ पर अंधेरा हुआ ही नहीं है अभी तक ये रहा 7:17 और फर्स्ट क्लास पूरी लाइट है और अभी हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि सुबह से ड्राइव कर रहे हैं थक गए हैं अभी ये रिसॉर्ट के सामने वाले माउंटेन में कुछ नहीं था बादल हटे out lights went down when you feel lost in your shadow don't feel alone don't scream so loud we are living in this cruel world broken but strong gotta move on you are not a baby